हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए आज आपको बताते हैं कि आप किन किन तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन की बैटरी को काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, या आप अपनी बैटरी की इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं, या अपने फ़ोन का जो बैकअप है, बैटरी बैकअप, उसे और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, सबको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है ना, आपका पहला तरीका कि एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आप फ़ोन किनते हैं या जो भी आप किसी भी कंपनी का फ़ोन किनते हैं, तो उनका एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जिंग और नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग होता है, यानी वो कुछ गिनती में ही फ़ोन चार्ज हो सकता है या उतनी बार ही डिस्चार्ज हो सकता है। तो आप अपने फ़ोन को प्रयास कीजिए कि कम से कम चार्ज करें। ठीक, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी चार्ज कीजिएगा। ठीक है ना, और भी एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर आप एक बार में फ़ोन को 1% चार्ज करें या उसे आप 100% चार्ज करें, वो काउंट एक ही बार होगा। ये नहीं कि अगर आप 100% चार्ज करने के लिए, बाय द वे, अगर 10 बार फोन को चार्ज करते हैं तो एक बार काउंट ना होकर वो 10 बार काउंट होगा। इससे जो आपके फ़ोन का नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल है वो कम हो जाएगा, और एक हर फोन का फिक्स होने के बाद अगर उस चीज़ को आप पार कर जाते हैं तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और उसका परफॉर्मेंस बिगड़ने लगेगा। ठीक है ना, दूसरी टिप्स यानी दूसरा तरीका यह है कि आप अपने फ़ोन को हमेशा 20% से लेकर 80% के बीच में ही उसका आप चार्जिंग रखिए। ठीक है ना, और हो सके तो आप कभी कभार एक या दो सप्ताह में आप अपने फ़ोन को ओवर चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप 20% और 80% के बीच में रखते हैं तो एक या दो सप्ताह के बाद इसे आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज होने के बावजूद उसे चार्जर से ना निकाल कर आधे घंटे या 20 मिनट या 50 मिनट तक आप चार्जिंग में ही लगे रहने दीजिएगा। उसी को ओवर चार्ज किया जाता है, इससे आपकी जो बैटरी की बैकअप है वो अच्छी होती है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले तरीके की तरफ। तीसरा तरीका, आप अपने फ़ोन को अगर संभव हो तो आप ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए। स्पेशली जब आप फ़ोन खरीदते समय जो चार्जर मिलता है उसी से चार्ज करें। ठीक है, अगर वो मिला हुआ फ़ोन जो चार्जर है अगर वो ख़राब हो गया है या वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चार्जर हों उन्हीं से अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए। इससे भी आपके बैटरी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, अगर कोई अगर आप लोकल चार्जर यूज़ करते हैं तो सबके बैटरी वीक हो सकती है, इसलिए हमेशा ही ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर को ही अपने फ़ोन को चार्ज करने में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चौथा यानी आपका फोर्थ तरीका, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करें तो चार्जिंग के दौरान आप अपने फ़ोन को यूज़ ना करें, ना ही गेम खेलने के लिए, ना वीडियो देखने के लिए, ना ही बात करने के लिए। ठीक है, इससे तो पहले आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी स्लो चार्ज होती है, इस वजह से जो आपका आपके फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी फ़ोन आपका गर्म होने लगता है, इससे आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो ब्लास्ट भी कर सकती है। सो इस बात का जरूरी ख्याल रखिएगा कि जब भी आपके आपका फ़ोन चार्जिंग में हो आप फ़ोन को यूज़ ना करें, और आपका जो फ़ोन है वो गर्म ना हो, यानी इसे ठंडा रखने का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आप करिएगा। ठीक है, इससे आपके फ़ोन की बैकअप और आपका हेल्थ दोनों ही सही रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ठीक, इसके अगले पार्ट्स में आपके फ़ोन का बैकअप को बढ़ाने या आपके फ़ोन का जो बैटरी की इफ़िशेंसी उसे बढ़ाने का और तरीके हम बताएंगे। ठीक है, मैं देखिए यह सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे,
तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।